आपको पूरा यकीन है आप ठीक कर रही हैं मिस ऑडबॉट? हाँ जरूर, बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजा और ये पैसे अब दान भी तो करेंगे। तो अब ये लोग शुरू करेंगे कि नहीं, तुझे क्या लगता है? क्या जीतने के बारे में? हाँ शायद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे बारे में कुछ कहना हो तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कभी नहीं, कोई चांस नहीं। मैं एक दिन का राजा बन सकता हूँ फिर भी। ट्राई कर ले बेटा। लेकिन इसके लिए पूरे 10 रुपए? ये लीजिए मिस ऑडबॉट। ओ अब तुम भी आप बेस्ट ऑफ लक हेनरी। तो सारे आ जाओ। ओ अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ तो कितनी अच्छी चीजें कर सकता हूँ। सबको सिर्फ मेरी बात सुननी पड़ेगी। 10 रुपए में मैं कितना कुछ खरीद सकता था। और आज का विजेता है। मिस ऑडबॉट संभालिए। हेनरी? नहीं हेनरी। यस। शायद तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है हेनरी। क्या मतलब है आपका? बच्चे, स्कूल का हेडमास्टर बनना मतलब एक बड़े पद पर होना होता है। हाँ तो? मतलब बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं होगी और बच्चों के मम्मी डैडी को भी संभालना होगा। ये फुटबॉल में कैप्टन नहीं बन पाया, पूरे स्कूल का प्रिंसिपल कैसे बनेगा? इसका क्या मतलब था टीचर? मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इसके लिए और अब मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं एक नया डेप्यूटी हेड चाहता हूँ। राइफ आपकी जगह लेने वाला है तो आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, है ना मिस ऑडबॉट? बदकिस्मती से तो हाँ। मैडम, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, रोकिए इसे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो बेस्ट ऑफ लक हेनरी, अब सीधे कल मिलेंगे। मैडम मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़िए प्लीज। हाँ तो पहले यहाँ कुछ चीजें बदलनी होगी। मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे सामने आएगा मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हाँ सही कहा। थैंक यू डेप्यूटी हेड ड्राइव, अब बहुत हुई चमचागिरी। क्या अपने स्कूल कैंटीन के सड़ी हुई सब्जियों से आप बोर हो गए हैं? तो अब से हर रोज सिर्फ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे खाने में। ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? नहीं। सारे कंप्यूटर्स को फेंको कबाड़ में और दिन भर सिर्फ कंप्यूटर गेम्स ही खेलो। सिंगिंग क्लासेस के बजाय होगा करियोके टाइम पास। हम हो गए। और हमारा नया स्कूल सॉन्ग होगा। मुझे लगता है हमें बाद में आना चाहिए। मुझे भी यही लगता है, लेकिन हम ये मनमानी चलने भी तो नहीं दे सकते। हम टीचर्स को लड़ना होगा। आ जाओ। अब बस करो हेनरी, तुम प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं हो। तुम यहाँ आकर, मेरे अपने ऑफिस में आकर मुझसे ये कह रहे हो, वो भी लंच टाइम में? आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, मंजूर है तो बोलो। स्कूल ग्राउंड के 30 चक्कर काटो और फिर ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाओ। मान जाओ वरना स्कूल से निकल जाओ। शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तू तो रॉकस्टार है हेनरी, आज तक का सबसे फेवरेट प्रिंसिपल। हाँ मैं जानता हूँ। आ जाओ। तूने मुझे बुलाया क्या? तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? आपने मुझे बुलाया हेनरी प्रिंसिपल सर। हाँ मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। हाँ तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया घटिया हेनरी सर।
so easy being me. I'm Hard Henry. Oh, आज चिकन है शायद, अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और आज ही ने चिकन बनाना था। प्रॉब्लम क्या है बॉयज? चिकन चाहिए, चिकन चाहिए। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। बट हमारे आने तक तुम यही रहोगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हमारे वापस आने तक। और याद रहे, किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, समझे? और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। हे बर्ट, चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। इस बार नहीं बचेगी तो। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर्पल हैंड गैंग के सरदार, ये देखिए। क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही है, यहाँ यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो बदमाश कहीं के। वाह, ये हुई ना बात। बदबूदार आपकी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपकी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है हेनरी? हाँ हेनरी। देखो, हमारा फ्रेम हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कहीं की। कितना मजा आ रहा है, हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है हेनरी, बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो, इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुसफुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जा। <उहुँ। laughs>
ये हुई ना बात। क्या ये हुई ना बात? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। It's so easy being me, I'm प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे एडवाइस देंगे? वो क्या है ना कि मेरा एक सरू पकाओ छोटा भाई है, बोरिंग डांटने वाले मम्मी पापा हैं, जो जब देखो तब मुझे सिर्फ होमवर्क करने को कहते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि एक रॉकस्टार बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा। थैंक यू डियर रॉकस्टार, आपका सबसे बड़ा फैन हेनरी। ब्रश करने का टाइम हो गया बच्चों। एक और बात, क्या रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है? सोने का टाइम हो गया बच्चों। तुम तो पहले ही सोने चले गए, तब ये तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुमने ब्रश किया? हाँ सुबह ही किया था। गुड नाइट हेनरी। बाय हेनरी। बाय मम्मी। मेरे रास्ते से हटो कीड़े। तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी। ये मेरा है। क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी है हेनरी? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या बोरिंग कर दूँ? हेनरी, हमारे बैंड को तोड़फोड़ परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया है। कूल cool. कहाँ? मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी में। वाह ये तो बहुत कूल है, पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है? पसंद नहीं है तो पसंद करने लगेंगे, नो टेंशन। अच्छा तो इस भोंदू हेनरी के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेन सिंगर ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दें है? तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ओ प्लीज मिस, हेनरी बक बक कर रहा है। हेनरी क्लास के बाहर जाओ। पर मैं तो बाहर अभी। ये आज रात को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा। सच में? बेचारा हेनरी। ओह बहुत बड़ी बीमारी है, पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो। बस मेरे दादाजी के बर्थडे तक ठीक हो जाए, वरना पहला शो नहीं हो पाएगा। तो समझ लो गया तुम्हारा शो पानी में। पर टेंशन मत लो राव, मैं ढूंढूंगी नया मेन सिंगर। सच में? और नहीं तो क्या, मैं हूँ ना। ओह हाँ, और हेनरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो अपना मुंह बंद रखना, समझाई? तुम यहाँ हो राज, मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता क्योंकि हेनरी है, मुझे सब पता है। ओके कूल, लेकिन बर्थडे वाले दिन मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ पता है हेनरी, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। ए लड़को, अपने नए मेन सिंगर से मिलो। लेकिन कौन? मैं गधो। बैंड प्रैक्टिस ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर, और 1 मिनट की भी देरी मुझे पसंद नहीं। ठंड रखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ? वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता, राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो। क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं क्यों? हाँ
जाओ पीटर, मैंने तुम्हें बच्चा समझकर ये पॉइंट दे दिया, खुश हो जाओ। ओह थैंक यू हेनरी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। सोने का वक्त हो गया। वाओ, हम आज जल्दी सो रहे हैं। हाँ हेनरी, सोने से पहले हॉट चॉकलेट पीना चाहोगे? ओ नहीं मम्मी, थैंक यू, मैं दांत ब्रश कर चुका हूँ। चलो हेनरी, अपने अपने रूम तक रेस लगा। हाँ, चलो। बदमाश। हाँ, वो आवाज तुमने सुनी हेनरी? तुम्हारे टेंट में कोई है हेनरी? सही कह रहे हो पीटर, सही पकड़ा। कौन हो सकता है? अभी जाकर पता लगाता हूँ। तुम कितने बहादुर हो हेनरी, मैं भी तुम्हारे साथ आता अगर मुझे डर नहीं लगता। चिंता मत करो मेरे छोटे से भाई, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हेलो, फ्लफी तुम थी? वाओ, असली वाले एलियंस। हाय, मैं हेनरी हूँ। आपका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ, मैं तो सिर्फ नाक साफ कर रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरे छोटे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। बोलो बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि आप समझ चुकी होंगी कि मुझे मेरे छोटे भाई की कितनी चिंता थी। अच्छा हेनरी, सच में चिंता थी तुम्हें अपने भाई की, या तुम बिजी हो गए थे दुनिया के सामने इंटरव्यू देने में? नहीं, मुझे तो बस पीटर के साथ बिताए सारे दिन याद आ रहे थे। मामा! 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 तो हेनरी, मुझे बताओ इस सब का तुम्हारे होमवर्क से क्या मतलब है? पीटर, तुम ठीक तो हो ना? सब चुप हो जाओ, याद है ना हमने क्या तय किया था? अपना पार्टनर ढूंढो और लाइन में खड़े हो जाओ। अब डांस। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे डांसर्स हो।